जो इस चीज का प्रूफ है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो एरिना है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है सक्सेसफुली, क्योंकि वहां पे बल्कि उनको क्या सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में वो क्या है, वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रॉन्ग है। 75 साल से इस मुल्क और कौम के साथ मजाक चल रहा है। आपके मुस्तकबिल के फैसले कभी अमेरिका में होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी बंद कमरे में होती हैं, कभी डीलें होती हैं। जहां तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें जो मेन प्लेयर है, इंडिया के पीएम मोदी भी बाली पहुंच चुके हैं G20 समिट के लिए, और उनकी तरफ से जो इसके ऊपर जो डिस्कशन की बात की गई है तो उसपे उन्होंने ये कहा है कि वो जिस पे बात करेंगे, उन्होंने कहा है सर के ड्यूरिंग द बाली समिट आई विल हैव एक्सटेंसिव डिस्कशंस विद अदर G20 लीडर्स ऑन की इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न सच एज रिवाइविंग ग्लोबल ग्रोथ, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनकी जो वहां पर विजिट है और जो किनसे उनकी मुलाकात जिनसे भी होगी इसको कैसे देखते हैं? डेफिनेटली जी, जहाँ तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहाँ पे जो है वो जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है उस हवाले से, चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इन्वाइट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं, जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं उस पे वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है, और दूसरा ये है कि G7 की इस पोजीशन की हैसियत से इंडिया इस पोजीशन में भी है कि वो मुख्तलिफ एजेंडा जो है अपने तौर पे वो पेश कर सकता है, जो कि उन्होंने पेश किया। देखें इस वक्त पाकिस्तान का नंबर वन इशू क्या है, दो हैं। एक ये कि जो सऊदी शहजादा जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आया, और वो क्यों इसलिए नहीं आया कि उसने आना था तो उसने कुछ हमारी मदद करनी थी, और दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान में जो है वो आर्मी चीफ कौन होगा। अब आप ये देखें कि ये दोनों इश्यूज जो हैं इसका G20 के साथ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ, इंटरनेशनल क्राइसिस के साथ, चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो इश्यूज चल रहे हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है? जाहिर है कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सारे इश्यूज जो हैं इनका बहुत बड़ा असर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और हर चीज पे, चूंकि इससे आप अपने आप को अलग नहीं रख सकते। अब ये चीज साबित करती है कि जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की टॉप जो लीडरशिप है उनके अंदर ना तो वो विजडम है और ना वो उनके